नमस्कार मित्रों, मैं सुवेक सिंह चौहान आप सभी को सक्सेस विधि मंत्रा यूट्यूब चैनल की तरफ से संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो भारत के लोगों के द्वारा यानी तत्कालीन भारत के लोगों के द्वारा यानी फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हम लोगों के लिए यानी पीडब्ल्यू बिल के लिए बनाया गया है। यह दस्तावेज हम लोगों के लिए संविधान में प्रदत्त लक्ष्यों को प्राप्ति और भारत की संविधान के अंतर्गत जो सरकार होगी, जो शासन होगा, उसका नेचर बताता है और इसके संदर्भ में वो हमारे लिए विशिष्ट गाइडलाइन, एक विशेष प्रकार की रूपरेखा तय करता है कि हमको कैसे उस लक्ष्य को प्राप्ति करना होगा। और उस लक्ष्य की प्राप्ति के द्वारा ही जो परम वैभव नेतृत्व स्वराष्ट्र का जो संकल्प है, जो परम वैभव पर ले जाने का राष्ट्र का जो संकल्प है, वो तभी पूरा हो पाएगा। मित्रों, जब हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो भारत के संविधान का जो आत्मतत्व है, जो उसकी आत्मा है, जो उसकी साउल है, वो भारत के संविधान की प्रेम बल है। तो भारत के संविधान की प्रेम बल स्टार्ट ही होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी भारत के लोगों ने ही, भारत के लोगों के लिए ही यह संविधान बनाया है और भारत के लोगों के लिए यह गाइडलाइन तय की गई है कि जो भारत की सरकार होगी वो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक होगी। तो मित्रों, आज अगर हम इन विषयों पर चर्चा करें तो हम अपने आप को इस अमृत काल में, जबकि हम आजादी के 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं, अमृत काल में अपने आप को बहुत पीछे पाते हैं। मित्रों, अगर हम सॉवरेनिटी की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट सॉवरेन है, भारत की सरकार सॉवरेन है, या भारत सॉवरेन है, और ये सॉवरेन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार की है। मित्रों, अगर हम सोशलिज्म की बात करें तो जो कंप्लीट फॉर्म ऑफ सोशलिज्म है या जो पूर्ण रूप है समाजवाद का, वो अभी तक हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं। पूर्ण रूप समाजवाद का तब प्राप्त होगा जब जो हमारे जो डाउन ट्रोडन सोसाइटी है, जो अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनका हम कल्याण कर पाएंगे, उनका उत्थान कर पाएंगे, उनके जीवन में हम आमूलचूल परिवर्तन कर पाएंगे और वह परिवर्तन पॉजिटिव या सकारात्मक दिशा में होना चाहिए। मित्रों, अगर हम सेकुलरिज्म की बात करें तो जो तासीर है भारत के संविधान की, या जो भारत के कल्चर की तासीर है, वो वासुदेव कुटुंबकम की है। वह अयम निजा परोवेद की नहीं है, वो एक दूसरे में एक दूसरे को वो यह मेरा है या पराया है, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। ऐसी भावना ये भारत के संविधान की मूल भावना के अगेंस्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। मित्रों, जो सेकुलरिज्म है वो वास्तविक सेकुलरिज्म यही है कि जो धर्म या धर्म है वो राष्ट्र से निम्नतर समझा जाना चाहिए। जो सब प्रमुखता है वो भारत का संविधान ये कहता है कि जो प्रमुखता है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो हमेशा और हमेशा अपने राष्ट्र को, अपने देश को देनी चाहिए और देश के कल्याण और उसके लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए, ना कि अपने धर्म और अपने जाति विशेष या संप्रदाय विशेष के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। वास्तविक सेकुलरिज्म वही है। मित्रों, अगर हम डेमोक्रेटिक की बात करें तो डेमोक्रेसी को भी हम पूर्ण रूप से, अभी कहने को तो हम सब विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, लेकिन ये वास्तविक डेमोक्रेसी अब से अभी हम बहुत कोसों दूर हैं। वास्तविक डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि जहाँ, जिस जगह पर, जिस देश में चुनाव पैसे के धन धन बल के आधार पर और शक्ति बल के आधार पर, पावर के आधार पर जीते जाते हैं, लड़े जाते हैं और जीते जाते हैं, वहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि अभी पूर्ण रूप से हमने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट जो है अडॉप्ट कर लिया है। अगर हम मित्रों रिपब्लिक की बात करें तो जब तक परिवारवाद, जब तक जातिवाद हावी रहेगा, जब तक सरकारें इस आधार पर तय करेंगी कि वो हमारे जाति का व्यक्ति सरकार में बैठेगा, तो उस तब तक हम ये पूर्ण रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट नहीं पूरा कर पाएंगे। यानी जब तक एक पिता जो है वो उसका अयोग्य पुत्र भी शासन पे बैठेगा, वो अयोग्य पुत्र भी उसका उत्तराधिकारी बनेगा, तो उस स्थिति में हम ये जो रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट है ये भी हमारा छूटा कॉन्सेप्ट रह जाएगा। मित्रों, अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो हमारे संविधान में लिबर्टी, इक्वलिटी और जस्टिस, या जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी, ये तीन लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा, संविधान की प्रिंसिपल के द्वारा। तो जस्टिस की अगर हम बात करें तो न्याय को हम ये कह सकते हैं, न्याय विधि की है पहचान जिसका स्वरूप भारतीय संविधान, या न्याय जो है वो भारतीय संविधान जो वो विधि की पहचान है, वो लॉ की पहचान है और वो भारतीय संविधान ने प्रदत्त की है, यानी इसका स्रोत जो है वो जो लॉ में उत्पत्ति उसकी हुई है वो कहाँ से आई है, वो भारतीय संविधान ने उसे प्रदान हमें प्रदान की। न्याय क्या होता है? न्याय यह है कि न्याय का की अवधारणा अपने आप में बहुत ही ब्रॉड अवधारणा है, लेकिन यहाँ पर हम प्रासंगिक न्याय की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। न्याय की जो अवधारणा है वो ये कहती है कि जो व्यक्ति जिस योग्य है उसको वैसा
जीवन जीने का अधिकार है, उसको उस प्रकार का जीवन प्रदान किया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपराधी है तो उसका उसका जो जीवन कैसा होना चाहिए, उसका कठोरमय जीवन होना चाहिए, उसका कष्टमय जीवन होना चाहिए। वहीं कोई व्यक्ति अगर ठीक प्रकार से अपने दायित्वों का पूरा कर रहा है, पालन कर रहा है, तो उसका जीवन जो है सुखमय जीवन होना चाहिए। और ऐसी सुखमय जीवन की सुनिश्चित करना और एक अपराधी के लिए दुखमय जीवन को सुनिश्चित करना, ये काम किसका है? यह लॉ का काम है, ये विधि का काम है। और यही तब तक वास्तविक अर्थों में न्याय होगा। या जिसकी जिसके पास जो नहीं है और वह उसका हकदार है, वह उसको मिलना चाहिए, वह उसको प्रदान कराया जाना चाहिए, वह उसको प्रदान किया जाना चाहिए। वास्तविक अर्थों में जस्टिस यही है। मित्रों, अगर हम लिबर्टी इक्वलिटी की बात करें तो इक्वलिटी को पूरा करने का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि विशेष प्रिविलेज, विशेष प्रकार की सुविधाएं किसी को नहीं दिया जाना चाहिए, और जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो विधि होनी चाहिए, वो सबके लिए एक समान होनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट यहीं से हमारा उद्भव होता है कि व्यक्ति का शासन ना होकर के विधि का शासन होना चाहिए। और विधि का जब शासन होगा तो प्रत्येक व्यक्ति को एक दृष्टि से देखा जाएगा, कोई ना तो बड़ा होगा ना कोई छोटा होगा। तो इक्वलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारे संविधान में अडॉप्ट किया गया है, वह एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इक्वलिटी का को अवॉइड किया गया है, और जो रीजनेबल इक्वलिटी है, जिसको हम कहें तार्किक समानता है, उसकी बात की गई है। इसके आधार पर जो क्लास रजिस्ट्रेशन को वर्जन किया गया है, लेकिन रीजनेबल क्लास रजिस्ट्रेशन को परमिट किया गया है। मित्रों, अगर हम लिबर्टी की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति की जीवन में स्वतंत्रता का बहुत महत्व अर्थ होता है, और स्वतंत्रता का अर्थ केवल अपनी स्वतंत्रता से ही नहीं होता है, अपितु दूसरे की स्वतंत्रता को भी सुनिश्चित करना होता है। और यह तभी हम कर सकते हैं जब हम अपने संवैधानिक कर्तव्यों को, जब हम अपने सामाजिक कर्तव्यों को, जब हम अपने पारिवारिक कर्तव्यों को, जब हम अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन ठीक से करेंगे। अब ये महत्वपूर्ण बात है कि हमारे देश के संविधान में जो मूल कर्तव्य है वो बहुत बाद से जोड़े गए, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम वो जो जोड़े गए हैं कर्तव्य वो हमारे संविधान में पहले से विद्यमान नहीं थे। वो इनडायरेक्ट फॉर्म में हमारे संविधान में पहले से ही विद्यमान थे, लेकिन उनको मूर्त रूप या उनको एक अक्षर स्वरूप प्रदान करने का जो काम किया गया वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया। तो मित्रों, हमें अपने मूल कर्तव्यों को भी ठीक से पालन करना सुनिश्चित करना होगा, और ऐसा संकल्प लेना होगा इस संविधान दिवस पे, तभी हम वास्तविक अर्थों में अपने इस देश को, अपने इस राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचा सकते हैं, और इसकी जो उन्नति है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। मित्रों, जो स्वतंत्रता है, इसके संदर्भ में उर्मिलेश ने कहा था कि स्वतंत्रता का अर्थ है कि हम स्वतंत्र स्वर बने, जहां हो मौन दासता वहां सदा मुखर बने। तो स्वतंत्रता का ये कतई अर्थ नहीं है कि हम अपनी स्वतंत्रता की चिंता करें और दूसरे की स्वतंत्रता पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। तो उर्मिलेश जी का कथन कि जहां पर भी स्वतंत्रता मौन हो वहां पर भी हमको मुखर होना पड़ेगा। और ये मुखरता का काम जो बेसिक रूप से काम दिया गया है वो प्रेस को दिया गया है, जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी माना जाता है। अगर प्रेस और पत्रकारिता अपनी उद्देश्यों का, अपने जो लक्ष्य है उसका ठीक से पालन नहीं करेगी तो वहां पर भी स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं होगी। तो मित्रों, यह एक प्रकार का संदेश है जो भारत की पत्रकारिता जगत के लिए, भारत के जर्नलिज्म के लिए एक संदेश है कि भाई उन्हें भी सत्य जहां पर है सत्य के लिए मुखर होना पड़ेगा और दूसरे की स्वतंत्रता के लिए मुखर होना पड़ेगा। मित्रों, इसके अलावा अगर बात करें तो भारत की अखंडता और एकता सुनिश्चित करना भी भारत के संविधान का एक उद्देश्य है। और एकता और अखंडता का मतलब ये कतई नहीं है कि कोई भारत को तोड़ना है तो वही एकता और अखंडता की बात हो गई। भारत की जो कल्चरल आइडेंटिटी है, जो भारत की सांस्कृतिक आइडेंटिटी है, भारत की जो डेवलपमेंट है, भारत की जो कम्युनल हारमोनी है, जो सांप्रदायिक सौहार्द है, इसको बनाए रखना भी अब अपने आप में एक अखंडता सुनिश्चित करना है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, भारतीय तिरंगा है, भारतीय राष्ट्रगान है, ये जो है इनके प्रति भी हमको अपने कर्तव्यों को समझना पड़ेगा। और इन कर्तव्यों का जब हम ठीक से पालन करेंगे तो उस सही अर्थों में हम भारतीय संविधान बनाने का हमारा उद्देश्य पूरा होगा। और अगर मित्रों हम इसके प्रसंग की बात करें, भारतीय संविधान 2015 में इसकी ऑफिशियल डिक्लेरेशन 19 नवंबर 2015 को की गई थी, और इसके पहले इक्वलिटी मेमोरियल का जब उद्घाटन प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे महाराष्ट्र में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आधार नाम पर इक्वलिटी मेमोरियल का जब उद्घाटन कर रहे थे, तब उन्होंने इसकी घोषणा की थी कि बाबा साहब के सपनों का जो भारत है वो तभी पूरा होगा जब हम
एक संविधान दिवस मनाना प्रारंभ करेंगे संविधान दिवस को, और इसके संदर्भ में 19 नवंबर 2015 को नोटिफिकेशन जारी किया गया, और तब से लगातार हम 26 नवंबर को जिस दिन भारतीय संविधान को अडॉप्ट किया गया था, अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था और आत्मार्पित किया गया था, अपने आप को समर्पित किया गया था, उस दिन से हम संविधान दिवस मना रहे हैं। तो ये संविधान दिवस सही अर्थों में तभी संकल्प होगा, इसका जो लक्ष्य है तभी संकल्प होगा, जब हम अपने मूल कर्तव्यों का, सामाजिक कर्तव्यों का, नैतिक कर्तव्यों का और जो हमारे सांस्कृतिक अधिकार हैं, जो हमारे राष्ट्रीय कर्तव्य हैं, उनका ठीक प्रकार से पालन करेंगे तभी हम इसको सुनिश्चित कर पाएंगे। और ऐसी सुनिश्चित करने के लिए हमको 3 बातों को ध्यान रखना है कि जस्टिस हो, समाज में न्याय हो, समाज में समानता हो, समाज में स्वतंत्रता हो। समानता, न्याय, समता और स्वतंत्रता का जो भाव है वो हमको उसका प्रोग्रेस करना है, उसको मजबूत करना है, और जब ये मजबूत करने में हम कारगर हो जाएंगे तभी वास्तविक अर्थों में हमारे संविधान दिवस मनाने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। मित्रों धन्यवाद।